हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदविकास मॉम किचन। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नई और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आप सब जो है वो साबूदाने की खीर बनाते होंगे, लेकिन अक्सर साबूदाने की खीर में आपकी शिकायत होती है ना कि साबूदाना जो है वो चिपचिपा हो गया है, या फिर अच्छे से गला नहीं है, या फिर जो है वो साबूदाने की जो खीर है वो फट गई है। तो फ्रेंड्स, आज इन सारी झंझट, जितने भी टेंशन थे, आज उस इस रेसिपी में सारे जो है कमियां मैं इसको दूर कर दूंगी। और बहुत ही आसान तरीके, इंस्टेंट, बिना साबूदाना फुलाए हुए हम तुरंत इस रेसिपी को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने साबूदाना। तो ये मैंने छोटा वाला साबूदाना लिया है, इंस्टेंट हम रेसिपी पे ये छोटा वाला। अगर आपको भिगा के बनाना है तो आपको जो है वो बड़ा वाला साबूदाने का यूज़ करना है, ठीक है। तो इंस्टेंट रेसिपी में इस छोटे वाला साबूदाना जो है बहुत ही झटपट बन जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बड़ा सा बाउल लेंगे और आधा कप मैंने साबूदाना लिया, इसको अच्छे से हमको 3 से 4 पानी से अच्छे से हमको धो देना है, ताकि ये जो क्लाउडी पानी है ना, देख रहे हैं ना, गंदा पानी हो गया है ना, तो इसको हमको अच्छे से धो के साफ कर लेना है, ताकि जो इसमें स्टार्च है, इसी के कारण जो है वो चिपचिपा हमारा जो खीर बनता है, तो उसको बिल्कुल हमको धो के साफ कर लेना है, उसको बिल्कुल निकाल देना। अब थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको जो है वो छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तब तक हम दूसरा काम जो है वो आगे का कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने, तब तक मैं ड्राई फ्रूट जो है वो काट लूँगी। इतना सा मैंने पानी डाला है और केवल 2 से 4 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए इसको हम बस ऐसे छोड़ेंगे, और तब तक अपना हम दूसरा भी काम कर लेंगे। तो ये देखिए, देख रहे हैं ना, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है और ऐसे हमको भिगाना नहीं है, हमको 1 घंटा आधे घंटे के लिए छोड़ना नहीं है। तब तक मैंने जो है वो ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं। तो ये देखिए, 5 मिनट हो चुका है और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसने पानी जो है वो सोख कर लिया है, पूरा सो अच्छे से नहीं ये फूला है, लेकिन उतने देर में ये है तो वो पानी जो है अभी देखिए गीला ही है। तो इसको ऐसे मिक्स कर देंगे, देखिए। तो ये छोटा वाला साबूदाना झटपट बन जाता है। गैस पे जो है वो मैंने एक कढ़ाई रखा है, ये नॉन स्टिक की कढ़ाई है, अगर आप नॉर्मल कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो हमको थोड़ा सा घी या तेल डाल के इसको अच्छे से हमको ग्रीस कर लेना है इसको, ताकि इस पर साबूदाना चिपके नहीं। तो पहले हम कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं उसको हम जो है वो पहले फ्राई करेंगे। थोड़ा सा घी मैंने इसमें और डाल दिया है, और यहाँ मैं डाल रही हूँ बादाम। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उसमें डाल सकते हैं। तो इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, सारे फ्रूट्स को अलग अलग, जो पहले पकने वाले, तो मैंने बादाम पहले डाला है, इसके बाद मैंने पिस्ता डाला है। तो उसको हम भून लेंगे। जैसे आप अगर पहले डाल दोगे ना पिस्ते को, तो वो जलने लगेगा, फिर बादाम, फिर आपको अलग अलग एक चीज़ भून के निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने किशमिश डाला, तो इसको भी डाल के हमको भून लेना है। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स में केवल बादाम, पिस्ता और किशमिश का यूज़ किया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप उसको डाल लीजिए, ठीक है। आप इसमें नारियल भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अच्छे से फूल चुका है। ये देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ, जो किशमिश है ना वो देखिए कैसे ऐसे फूल रहा है। तो बस इतना ही हमको निकाल बना इसको भूनना था, इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा अगर आप भूनेंगे ना, तो ये जो है वो बेकार हो जाता है, जलने लगता है, और जो बिल्कुल टेस्ट में ये अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये देखिए, अच्छे से ये भून चुका है। तो सेम उसी कढ़ाई में जो है वो हमने जो ये रखा था साबूदाना ना, उसको हमको डाल देना। वैसे ही पानी के साथ ही मैं डाल रही हूँ इसको, और अब इसको डाल के अच्छे से हमको इसको भून लेना है ट्रांसलूसेंट होने तक। ये बहुत ही जल्दी ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और ये देखिए नीचे तली में थोड़ा चिपकता है ना, तो आप ऐसे इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे। अभी थोड़े ही देर बाद जो है वो ये मिक्स होने के बाद देखिए तली छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल चिपचिपा नहीं होता। ये देखिए, देख रहे हैं ना। तो 1 मिनट के लिए हम उसको भूनेंगे, केवल 1 मिनट के लिए। और अब इसमें हम डालेंगे दूध, ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। दूध को मैंने अच्छे से पहले ही बॉयल कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ केसर के धागे। मैंने इसको दूध में, 2 चम्मच दूध में इसको भिगो के मैंने रखा था। इसे एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है, और एक प्यारा सा हल्का सा
पीला कलर आता है तो वो भी जो है बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। और ड्राई फ्रूट जो हमने भून के रखा था ना वो भी मैंने डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिया है। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हमको इसको गाढ़ा कर लेना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से, ये देख रहे हैं ना कितना अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। और हमारा जो साबूदाना है ना, देखिए बिना भिगोए ये साबूदाना जो है कितना खिला खिला। और अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार चीनी। तो यहाँ पर मैं आधा कप चीनी का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चीनी कम खाते हो तो और कम का यूज़ कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा खाते हो तो आप थोड़ा सा और बढ़ा के डाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों के लिए बनाते हैं और मीठा चीज़ तो थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है। तो यार थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इलायची जो है वो ऐसे क्रश करके डाला है, आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हमको इसको गाढ़ा कर लेना है। और ये देखिए, देख रहे हैं ना जो हमारा साबूदाना एकदम ट्रांसलूसेंट हो गया, मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट बिल्कुल, ये देख रहे हैं ना। और ये बिल्कुल इतनी टेस्टी सी ये खीर बनती है ना, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और सावन का महीना चल रहा है तो इस व्रत में तो इस रेसिपी को बिल्कुल बनाना बनता ही है। तो ये देखिए ऐसे मिक्स करते हुए हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा टेस्टी से साबूदाने का जो खीर है ये बन के बिल्कुल रेडी है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने के बाद जो है उसको हम सर्व करेंगे। तो हमारे साबूदाने की खीर जो है वो बनके बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए है ना बहुत ही आसान रेसिपी। फ्रेंड्स एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आप व्रत में ज़रूरी नहीं, आप कभी भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है, हेल्दी होता है और बनाना तो बिल्कुल आसान है। देखिए ना बिल्कुल भिगोने की झंझट ही नहीं है। जब तक मैंने उसको पानी में बस डाल के रखा था तो मैंने ड्राई फ्रूट्स को काट लिया था, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही जल्दी ये बन के रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। ओके थैंक यू।